अप्लाई रंग आईपीएस की परीक्षा में पास हो क्षेत्र का नाम किया रोशन। सिरौली नगर पंचायत में संतोष गुप्ता का मध्यम वर्गीय परिवार है, जिनका एक पुत्र सुधांशु गुप्ता है। सुधांशु बचपन से ही अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक थे, जिसके बल पर ही उन्होंने अपने क्षेत्र में आईपीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर एक अलग ही स्थान बना लिया है। बताते चले कि सुधांशु की सभी जिम्मेदारी उनके ननिहाल बालों ने अधिकांश निभाई है। उन्होंने हमसे बात करते हुए यह जिक्र भी किया कि आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं, यह सब मेरे माता पिता की मेहनत और मेरे मामा जी का आशीर्वाद है। अगर वह मेरे लिए कदम कदम पर प्रोत्साहित नहीं करते तो मैं यह कार्य नहीं कर पाता जो आज मैं करने में सफल हुआ हूं। ननिहाल में सुधांश का उनके ननिहाल बालों ने बड़े ही सम्मान से उनका स्वागत किया और कहा कि वह आज जहां और क्या कहना चाहेंगे अभी फिलहाल, जब आप इस अहदे पर पहुँच ही चुके हैं तो आप अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, जहाँ भी आप सिलेक्ट हुए होंगे वहाँ के लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये मायने नहीं रखता ये बात कि आप कहाँ से आए हैं, आप छोटे कस्बे से पढ़े हैं, बड़े शहरों में कॉम्पिटिशन सबके लिए एक बराबर होता है। तो हिम्मत रखिए, मेहनत करते रहिए और डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप छोटे स्कूल से पढ़े हैं, आपके माँ बाप ज़्यादा नहीं कमाते हैं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और आपने इच्छा शक्ति है तो आप कहीं भी पढ़ सकते। हम जानना ये भी चाह रहे थे कि जहाँ पर आप सिलेक्ट हुए तो वहाँ के क्षेत्र के जो पीड़ित हों या कोई भी समस्या है तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो प्रोत्साहित करूँगा, जितना भी हो सकूँगा बच्चों से बातचीत करूँगा, इंटरेक्ट करूँगा, उन्हें बताऊँगा कि एग्ज़ाम कैसे निकाला जाता है, किस तरीके की पढ़ाई इसके लिए चाहिए होती है, क्योंकि आमतौर पर सिविल सर्विसेज के लिए गाइडेंस की काफ़ी कमी रहती है। बच्चे या तो डर जाते हैं और फिर उनके माँ बाप उन्हें सीधे दिल्ली भेजते हैं बिना गाइडेंस के, और वो इतनी ज़्यादा प्रेशर में कोप अप नहीं कर पाते और गिव अप कर देते। तो शुरू से अगर उनको एक तरीके से टारगेटेड तरीके से बताया जाए कि एग्ज़ाम क्या है, कैसे किया जाता है, अगर वो पढ़ाई करें तो काफ़ी आसान है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं। लास्ट टाइम लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप क्या है? आप ट्रेनिंग, उसके बाद ट्राइनिंग और फिर उसके बाद क्षेत्र के लिए कुछ करने की इच्छा है, देखते हैं। थैंक यू।